नमस्कार दोस्तों, कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में। हम बात करेंगे आज थंबनेल्स के बारे में। थंबनेल के बारे में अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि थंबनेल जो है वो क्या होता है और उसका प्रयोग जो है वो क्या होता है। थंबनेल मोस्ट ऑफ ऑल तो यूजर्स को या फिर व्यूवर्स को जो है वो अट्रैक्ट करने में काम आता है। इसके अंदर जो है वो अगर थंबनेल आपकी वीडियो पे अच्छा नहीं लगा है तो आपकी वीडियो तक लोगों के पहुंचना या फिर आपके व्यूज़ जो है वो आना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ऐसे में अगर हम कोई नया चैनल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर जो है वो हमें थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, और वहाँ पर हमारा थंबनेल का जो ऑप्शन होता है वो होता है वहाँ पर इनेबल्ड, डिसेबल्ड। तो अब जो है वो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जो है आप उसको इनेबल कर सकते हैं और उसके बाद थंबनेल जो है वो अपनी वीडियोस में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको इसी तरह की और जानकारियां पाने के लिए वीडियो के नीचे दिया है एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उसको दबा करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है वो आने वाले समय में इस तरह की जानकारी मिलती रहे। और साथ के साथ लाइक भी जो है इस वीडियो को कर दीजिए। उसके बाद विजिट कर जाइए आप youtube.com पे, वहां पर चले जाइए माई चैनल में। YouTube.com में जाने के बाद माय चैनल में यहाँ पर जो आपका चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको जाना है वीडियो मैनेजर में। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद आपको जो है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको जाना है चैनल पे, लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैनल का। तो वहाँ पर जो आप चैनल पे क्लिक करके चैनल पे जो चले जाइए। यहाँ पर आप थोड़ा सा जैसे ही नीचे जाएंगे हल्का सा, यहाँ पर जो आपके फीचर्स की डिटेल दी होगी कि क्या क्या जो है वो यहाँ पर इनेबल है और क्या क्या जो है यहाँ पर डिसेबल है। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर आप लाइव स्ट्रीमिंग जो है इनेबल नहीं है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाया है कस्टम थंबनेल्स तो नॉट इनेबल्ड दिखाया है, यानी जो है वो इसको इनेबल नहीं है। और यहाँ पर कोई इनेबल का ऑप्शन भी जो है वो हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन हम इसको इनेबल जो है वो कैसे कर सकते हैं, आज हम इसी बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो ये इनेबल करना बहुत आसान है, जस्ट आपको कुछ खास नहीं करना। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे अपने चैनल के पास, वहाँ पर जो है वो आपको एक वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल। तो आप इस वेरीफाई के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर लीजिए। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपसे आपके मोबाइल नंबर की जानकारी जो है वो पूछी जाती है। तो आपको जो है वो अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, लेकिन पहले पूछा जाता है कि क्या आप SMS से जो है वो आने वाले कोड को एंटर करना चाहेंगे या फिर किसी कॉल से आने वाले को। तो हम करेंगे टेक्स्ट मैसेज को, आप कॉल का भी जो चुनाव कर सकते हैं। तो टेक्स्ट मैसेज पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर हमसे हमारे मोबाइल नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग हमारे मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर लेंगे, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमें जो है वो सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे से पूछा जाता है कि आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का कोड जो है वो सेंड किया गया है, आप उस कोड को जो है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो मैं जो है वो कोड यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ। मेरे मोबाइल नंबर पर जो SMS है वो बिल्कुल आ चुका है, तो यहाँ पर जो कोड है वो मैं जो एंटर कर देता हूँ, और उसके बाद जो है वो क्लिक कर देना है सबमिट बटन पे। जैसे हम क्लिक करते हैं सबमिट बटन पे, आगे की प्रोसेस जो हो जाती है और हमसे कहा जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड। तो हम कर देते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, हम वापस फीचर्स में जो वो चले जाते हैं, और वहाँ पर हम देखेंगे कि कस्टम थंबनेल का जो ऑप्शन था वो इनेबल्ड जो है वो हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो है वो किसी भी वीडियो में जाएंगे, और वीडियो के अंदर जाकर के अगर हम कोई थंबनेल लगाना चाहेंगे उस वीडियो का, तो आसानी से जो वो लगा पाएंगे। हम लोग आपको बताते हैं कि थंबनेल जो है वो कैसे लगा सकते हैं। एडिट पे क्लिक कर दीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद कस्टम थंबनेल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर ओके कर लीजिए। ओके करते ही जो है वो आपका सिस्टम जो है वो ओपन हो जाएगा, और सिस्टम में से आपको कोई भी एक जो है वो कोड लगाने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है वो ओके कर लीजिए, और उसको जो है वो चुन लीजिए, और ओपन पे जो क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपडेटिंग होगी, और उसके बाद आप सेव जो है वो कर दीजिए। तो इस तरह से आप आसानी से जो है वो कोई भी थंबनेल जो है वो अपने वीडियो का चेंज जो है वो कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप जानकारी मिल गई होगी, आप जान गए होंगे कि कैसे जो आप वीडियो को, यूट्यूब की वीडियो को जो है वो थंबनेल लगा सकते हैं अगर वहाँ पर ऑप्शन जो है वो ना आए। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी। आप लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में इस तरह की खास जानकारियाँ बिना किसी खर्च के मिलती रहे। और इसी तरह हमारे साथ बने रहे दोस्तों, और सीखते रहिए कैसे करें।